डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ की साइंस चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड अम्ल, बेसिस क्षार और सॉल्ट्स मीन्स नमक। तो आप जनरली अगर देखते हो कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आप क्या क्या रेमेडीज यूज करते हो, लेमन जूस, विनेगर या फिर बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन। अब जो ये एसिड होते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं इनका? इनका टेस्ट सॉर होता है, मीन्स खट्टा। और इनकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। और अगर ब्लू लिटमस अगर रेड लिटमस है तो वो रेड में ही रहेगा, ब्लू में टर्न नहीं होगा। वहीं जो बेस है उसका क्या है टेस्ट, वो बिटर है। कैसे उसका टेस्ट होता है? बिटर होता है। और ये इनकी जो प्रॉपर्टी है क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। अब ये एसिड और बेस आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि कहाँ किसमें किसमें मौजूद रहते हैं। तो जनरली कि एसिड जो है आपके नींबू में प्रेजेंट है, वहीं बेसिस जो है आपका सोडा में प्रेजेंट है। अब जो इनको पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, तो वो दो तरह के होते हैं, पहले नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में जो नेचुरली आपको मिले, जैसे कि लिटमस आपका मिलता है या बनता है लाइकेन से, ठीक है। वहीं चाइना रोज के पेटल्स हो गए, टर्मरिक हो गई, ये सब आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। एसिड को और बेसिस का पता ये बता देते हैं। वहीं जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन रहते हैं। अब जो फर्स्ट हमें पढ़ना है इस टॉपिक में, हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, मेटल्स के साथ एसिड कैसे रिएक्ट होते हैं। तो इन जनरल अगर हमें इक्वेशन देखनी है, तो एसिड रिएक्ट हुआ मेटल के साथ तो आपको देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आइए ये ऑब्जर्वेशन कैसे होता है हम इस प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। ये एक्टिविटी आपके बुक में दी है, इसको शॉर्ट में हमने समझा दिया है। एक स्टैंड लिया है, इस स्टैंड में हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है। टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें फिलअप कर दिया है। देन उसके बाद जिंक ग्रैन्यूल्स इसमें कुछ डाल दिए गए, जिंक ग्रैन्यूल्स इन द सेंस के जिंक के कुछ पीसेस। और इससे फिर एक कुछ बबल्स जनरेट हो रहे हैं। ये बबल्स हम एक सोप सॉल्यूशन के थ्रू देखेंगे। तो ये हमने पासिंग ट्यूब लगा दी है और ये दूसरे बीकर में हमने सोप सॉल्यूशन लिया है। ये जो गैस है, जो भी गैस यहाँ से प्रोड्यूस हुई है, इस पासिंग ट्यूब के थ्रू यहाँ पे पास हो रही है सोप सॉल्यूशन में। और ये सोप सॉल्यूशन से पास हो रही है तो इसमें से जो बबल्स उठ रहे हैं वो कुछ इस तरह से उठ रहे हैं। और इन बबल्स को चेक करने के लिए हमने क्या किया है कि एक कैंडल पास कराई, एक फ्लेम टेस्ट दिया। तो फ्लेम टेस्ट में हमने पाया कि ये जो बबल्स हैं ये बहुत ही पॉपिंग साउंड के साथ बर्न हो रहे हैं। ये कुछ जैसे पटाखे बोलते हैं ना, छोटे हल्के फुल्के, उस तरह की ये पॉपिंग साउंड आ रहे हैं इसमें से। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो गैस है ये एक्चुअली हाइड्रोजन गैस है। और ये क्योंकि जल रही है इसलिए बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस है। तो इससे हमें इस प्रैक्टिकल के थ्रू ये पता चला कि जब आपने एसिड के साथ किसी मेटल का रिएक्शन कराया है तो आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रही है। दिस इज द सॉल्ट, जिंक सल्फेट इज द सॉल्ट। नाउ द एक्टिविटी नंबर 2 इज डिस्कस्ड ऑन योर सेकेंड लेक्चर। तब तक के लिए आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, ठीक है।